हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियाटेक एकेडमी में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ने अभी तक पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मेरा पहला है कंप्यूटर हैज बिन कैटेगराइज इंटू थ्री पार्ट। ठीक है, कंप्यूटर तीन भाग में बटा है। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर है, तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आते हैं कि व्हाट इज एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स विद कंटिन्यूअस वेरिएबल सच एज वोल्टेज, करंट और मैकेनिकल मूवमेंट टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और स्टेट फिजिकल प्रोसेस। अब एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो कंटिन्यूअस वेरिएबल लेता है, जैसे वोल्टेज लाइट का, करंट, मैकेनिकल मूवमेंट, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और सिमुलेट करता है फिजिकल प्रोसेस को। जैसे कि थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है, ये बुखार नापता है। ठीक, वो थर्मामीटर जिसमें पारा होता है ना बच्चों, वो आपका एनालॉग होता है। स्पीडोमीटर जो आपकी गाड़ी में स्पीड बताता है कांटे वाला, वो स्पीडोमीटर आपका एनालॉग होता है। ठीक है, सिस्मोमीटर जो आपका अर्थक्वेक नापता है, आपका क्या है बच्चों, एनालॉग कंप्यूटर। तो सब चीजें आपके एनालॉग है, क्योंकि स्पीड, अर्थक्वेक और टेम्परेचर, फीवर, ये सब आपके कैसे हैं, सब आपके कंटिन्यूअस नेचर के लिए इनको जो भी नापता है और रिजल्ट देता है, क्या होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर है अगला। डिजिटल कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर ऑन अ डिजिटल टेक्निक। कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर ऑन अ डिजिटल टेक्निक विच इज वाइडली यूज एंड प्रिफर्ड नाउ अ डेज। अब ये कौन सा कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर जो है आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डिजिटल टेक्निक दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर यूजेस माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखिएगा, टाइप ऑफ कंप्यूटर इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी विच इज क्वाइट डिजिटल एंड एबल टू कैलकुलेट एंड एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ सेकेंड। ठीक है, क्या करेगा, जो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सेकेंड में क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, आपको बताएगा, रिजल्ट बनाएगा। इज ऑल्सो कम अंडर काइंड ऑफ कैटेगरी, डाउनवर्ड में हम एक कैटेगरी देखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर आर यूज इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन टू सुपर कंप्यूटर एंड डेटा सेंटर। अब देखते हैं कि डाउनवर्ड्स में डिजिटल कंप्यूटर कितने भागों में कैटेगराइज है। ठीक है, ये देखते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, द प्रोसेसर इज वेरी स्मॉल सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर होता है ना बच्चों, वो बहुत छोटा होता है। प्रोसेसर आपका माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, इसीलिए जो सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज सिंगल यूजर डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है, इसको सिंगल यूजर, एक बार में एक ही व्यक्ति यूज। टर्म माइक्रो कंप्यूटर वॉज मोर कॉमनली यूज इन अर्ली डेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर है ना बच्चों का जो शब्द है, ये शब्द इसको सबसे ज्यादा कब यूज किया जाता था, अर्ली डेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग, कंप्यूटर वर स्मॉल एंड रिलेटिवली लिमिटेड। अब कब यूज किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर, जब कंप्यूटर बहुत छोटे होते थे, व्हेन कंप्यूटर्स वर स्मॉल एंड रिलेटिवली लिमिटेड इन प्रोसेसिंग पावर। जब साइज तो छोटी हो गई थी, पर इनकी जो प्रोसेसिंग पावर थी ना बच्चों, वो भी कम थी। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते थे, माइक्रो कंप्यूटर। ओवर द टाइम एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एडवांसेस, ठीक है, जैसे ही कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या हो गई, एडवांस हो गई, माइक्रो कंप्यूटर इवॉल्व इंटू मोर पावरफुल एंड कैपेबल मशीन। ठीक है, लीडिंग टू द ब्रॉडर यूसेज ऑफ टर्म पर्सनल कंप्यूटर। अब क्या है, देखिए जैसे जैसे कंप्यूटिंग आपकी एडवांस हुई ना, तो जो माइक्रो कंप्यूटर था वो इवॉल्व हो गया। ठीक है, वो डेवलप हो गया किसमें, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल और कैपेबल मशीन में, लीडिंग टू अ ब्रॉडर यूसेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब जैसे जैसे वर्किंग बढ़ी तो उसके क्या हो गए, वाइड रेंज आ गए,
और उसका यूसेज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसीलिए अब उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर नहीं बोलते हैं, उसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर या सिंपली कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, हाउएवर द टर्म माइक्रो कंप्यूटर इज स्टिल यूज्ड इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट स्पेशली व्हेन रेफरिंग टू स्मॉलर एम्बेडेड सिस्टम और इन हिस्टोरिकल डिस्कशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि माइक्रो कंप्यूटर आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, जैसे जब पढ़ाया जाता है या कोई कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो हम यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर बोल रहे हैं। ठीक है, बस इसीलिए। ठीक है, और इसके एग्जांपल हैं आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक और पीडीए। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है किसके, माइक्रो कंप्यूटर के। अगला है, अगला टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर है आपका मिनी कंप्यूटर। प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर। ये ध्यान रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर का जो भी आपका क्या है बच्चों, प्रोसेसर है, वो स्मॉल है किसके मुकाबले, मिनी कंप्यूटर के, और मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो बड़ा है माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले। ठीक है, मिनी कंप्यूटर इज मल्टी यूजर। अब ये मल्टी यूजर है मतलब कई लोग काम कर सकते हैं, जनरली यूज इन डिजाइनिंग कंपनी फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, इसको कई लोग यूज कर सकते हैं और ये मैक्सिमम कमर्शियल यूज के लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अगला है डिजिटल कंप्यूटर में आपका मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, एज अ लार्जर प्रोसेसर एंड मल्टी यूजर डिवाइस। ठीक है, अब इसका जो प्रोसेसर है ना बच्चों, ये बड़ा है। ठीक है, किसके मुकाबले बड़ा है, मिनी कंप्यूटर के, मिनी कंप्यूटर के मुकाबले इसका जो प्रोसेसर है वो बड़ा है, एज लार्जर प्रोसेसर एंड मल्टी यूजर डिवाइस। ठीक है, ये भी मल्टी यूजर था और ये भी मल्टी यूजर है, पर जो मेन फ्रेम का मल्टी यूजर है ना, वो ज्यादा है मिनी कंप्यूटर के मुकाबले। मिनी कंप्यूटर में अगर दो लोग बैठ सकते हैं तो मेन फ्रेम तीन लोग, चार लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ यूजर इज मोर देन मिनी कंप्यूटर, दिस इज मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग डिवाइस मोस्टली यूज इन मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये किसमें यूज होती है, ये डिवाइस आपकी मेट्रोलॉजी में यूज होती है। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है वेदर फोरकास्टिंग, जब लोग उसका बताते हैं ना, वेदर रिपोर्ट बताते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग मेट्रोलॉजी बोलते हैं, लोग ये काम करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और अगला और आखिरी आपका डिजिटल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। क्या है बच्चों, सुपर कंप्यूटर, इसका प्रोसेसर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, प्रोसेसर इज बिगेस्ट देन अदर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट देन अदर डिवाइस। इसका प्रोसेसर भी बड़ा होता है, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है ना वो भी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, इट इज मल्टी यूजर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब ये भी मल्टी यूजर है, बस इसमें नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है मेन फ्रेम के मुकाबले। ठीक है, ये भी मल्टी यूजर है और फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना बच्चों वो तेज है। जनरली यूज्ड इन न्यूक्लियर साइंस फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है, अब ये मैक्सिमम यूज होता है आपका इसरो में, नासा में या ऐसे ही कई साइंटिफिक संस्थानों में यूज होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर साइंस को कैलकुलेशन। पहला सुपर कंप्यूटर जो दुनिया का था आपका क्रे वन इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला क्या था, परम 10,000 जो था वो भारत का आपका क्या था बच्चों, पहला सुपर कंप्यूटर। क्रेवन जो था वो आपका दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या कहता है, ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन वन सेकेंड। क्या करता है, ये ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करता है एक सेकेंड में। इसलिए जैसे आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो उसमें कूलिंग का फैन होता है जो उसको ठंडा करता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। कूलिंग करने के लिए आपको कूलिंग पाइप की जरूरत है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर कंप्यूटर, ये सारे सीपीयू लगे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, इतने बड़े बड़े साइज के हैं, तो इनको ठंडा करने के लिए कूलिंग पाइप लगते हैं। ठीक है बच्चों, और आखिरी टाइप का कंप्यूटर है आपका हाइब्रिड। क्या है, हाइब्रिड काइंड ऑफ कंप्यूटर कम्स विद बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग। ये ऐसे मशीन है, आप डिजिटल और एनालॉग दोनों चीजें बताते हैं। ठीक है, तो उनको हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है वेंडिंग मशीन, पेट्रोल पंप, डिजिटल थर्मोमीटर हॉस्पिटल्स में। ठीक है, जो मशीन आपका बीपी चेक कर रही है बच्चों और डिजिटल रूप में रिजल्ट दे रही है, वो आपका क्या है, हाइब्रिड है। तो पेट्रोल पंप पे मशीन लगी है जिसमें हमें पता है कि कितना पेट्रोल मिला, कितना नहीं मिला, क्या चीजें
कितनी डेंसिटी है, कितना रुपया हुआ, वो आपका क्या है वेंडिंग मशीन है, वो पेट्रोल को एनालॉग रूप में लेती है और हमें रिजल्ट डिजिटल रूप में दिखाती है। डिजिटल थर्मामीटर ये बुखार को नापता है। एक थर्मामीटर हम लोग एनालॉग में भी पढ़े थे और वो बताया गया था पारा वाला, जिसमें पारा चढ़ता है और वो रिजल्ट बताता है। डिजिटल थर्मामीटर में पारा नहीं होता है, वो आपका बुखार नापता है और आपको क्या बताता देता है कितना फीवर है, ठीक है, पर डिजिटल रूप में। ठीक है, आपका होता है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल स्पीडोमीटर जो आजकल गाड़ी में आने लगा स्पीड बताने की डिजिटल, वो भी आपका क्या है बच्चों हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, हाइब्रिड मतलब उसमें बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके, किसके एनालॉग के भी और डिजिटल के भी। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आज हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखते जाएंगे अपने चैप्टर को और हम लोग ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।